केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी पहुंचने वाले हैं, जिसके मद्देनजर काशी नगरी में खासा तैयारियां की जा रही हैं। मंदिरों में फूलों से साज सज्जा की जा रही है। वहीं काशीवासी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। पीएम मोदी अपने वाराणसी आगमन के दौरान किसानों से बातचीत करेंगे और उनके द्वारा उगाई गई सभी फसलों को देखेंगे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा 300 किसानों को आवास की सौगात भी दी जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ भूषण मिश्रा ने इस संबंध में पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पूरा प्रोटोकॉल उन्हें मिल चुका है। साथ ही भूषण बताते हैं कि प्रधानमंत्री का ये वाराणसी आगमन खास क्यों होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आगमन का हम लोगों को प्रोटोकॉल प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार जो कार्यक्रम यहाँ पर है, लगभग वो 20 से 25 मिनट का कार्यक्रम है, जिसमें महादेव का की आराधना प्रधानमंत्री जी करेंगे। और यह सुखद आश्चर्य है कि पिछली जो विजिट हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री का जो आगमन हुआ था धाम में, वह गंगा सप्तमी के पर्व पर हुआ था। त्रिदिवसीय उत्सव हमारा चल रहा था, उसके बीच में हुआ था। इस वर्ष भी आज से प्रारंभ हो रहा गंगा दशहरा का त्रिदिवसीय उत्सव है और उसी के कालावधि में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। पूरे धाम को माँ गंगा और महादेव की भक्ति की भावना के साथ बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्यता के साथ यहाँ सज्जित किया जा रहा है। तो वह पूरी सज्जा रहेगी और उसके बीच में ही महादेव की आराधना करने माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित होंगे। इस पूरी जो आराधना है, उसमें हमारे यहाँ से जो उस समय उस पाली के हमारे अर्चक हैं, उसमें 3 प्रधान अर्चक रहेंगे जो लोग वहाँ पूजा करवाएंगे। और जो भी एक षोडशोपचार साधना होती है, जिस अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वह पूजा करवाई जाएगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी जा रहे हैं। इस चुनाव में अपनी संसदीय सीट वाराणसी में उन्होंने इंडिया गठबंधन के कांग्रेस से प्रत्याशी अजय राय को हराया था।